हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक इस चैनल की सी लाइफ आइडियाज प्लेलिस्ट का फर्स्ट वीडियो है, आपकी डेली लाइफ की एक छोटी सी कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए। और वो है कि एज अ सी फेयर आपको आपकी सैलरी बाकी लोगों और आपके सोशल सर्कल में आपको बतानी चाहिए या नहीं, और अगर हाँ तो कितनी बतानी चाहिए और किसको बतानी चाहिए, और ये इम्पोर्टेंट क्यों है और इसके आपके लाइफ पर क्या सीरियस इम्पैक्ट हो सकते हैं, वो हम आगे आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को पूरा देखें, इट मे हेल्प यू अ लॉट। स्टार्ट करने से पहले मैं एक क्लियर करना चाहूँगा कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है जो कि लाइफ एक्सपीरियंस और सोसाइटी रिसर्च पर बेस्ड है। जवाब यह है कि एक सीफेरर को अपनी सैलरी अपना सोशल सर्कल जो है उसमें डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए। अब बताना भी है तो क्लियरली नहीं। अब मैं आपको इसका रीज़न बताऊँगा और सोशल इम्पैक्ट्स बताऊँगा। ज़्यादातर सीफेरर्स को सैलरी राउंड द ईयर नहीं मिलती, मतलब जब तक आप शिप पर सेल कर रहे होते हैं तब तक सैलरी ऑन रहती है, और जब शिप से उतर जाते हैं तो सैलरी ऑफ हो जाती है, यानी कि बंद हो जाती है। सो एक्चुअली यू आर नॉट बीइंग पेड फॉर अ पीरियड व्हेन यू आर ऑन लीव, यानी कि जब आप छुट्टियों में घर पर हैं तब आपको सैलरी नहीं मिलती है। सो आपकी नेट सैलरी वेरिएबल होती है, आपको इसको पर मंथली जो आपकी ऑनबोर्ड सैलरी है उसके हिसाब से कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि आपका लीव पीरियड भी बहुत वेरिएबल होता है। कुछ लोग 2 महीने घर रुकते हैं, कुछ लोग 6 महीने घर रुकते हैं, सर मतलब सबका अलग अलग सिस्टम होता है। तो लीव पीरियड वेरिएबल है तो आपकी ईयर की जो टोटल अर्निंग है वो वेरी करती है। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आपकी सैलरी में वेरिएशन आने का। और जो आपका लीव पीरियड है वो वेरी करता है बिकॉज आपके अपने पर्सनल रीज़न होते हैं। किसी को फॉर एग्जांपल कुछ घर पर कमिटमेंट है, कोई फंक्शन है तो ही कैन स्टे लॉन्गर, या कोई है जिसको जल्दी ज्वाइन करना है तो वो जल्दी ज्वाइन कर लेगा, तो वहाँ पर वेरिएशन आ जाएगा। ओके, अगर आप अब अपनी एक्चुअल सैलरी लोगों को पर मंथ वाली जो ऑनबोर्ड आप अर्न करते हो बताते हैं, और आपसे कोई मनी डिमांड करता है इन टर्म ऑफ पर्सनल लोन या बिजनेस इन्वेस्टमेंट अच्छी इंटेंशन से, बट यू माइट नॉट बी इन द सिचुएशन टू गिव हिम मनी और इन्वेस्ट ड्यू टू योर वेरिएबल सैलरी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बट सामने वाली की एक्सपेक्टेशन तो हाई हो चुकी है। अब इस सिचुएशन में वो भी गलत नहीं है और आप भी अपनी जगह ठीक है, बट इससे होगा क्या, इससे आपके रिलेशनशिप और सोशल रेपुटेशन दोनों पर फर्क पड़ेगा जब आप पैसा नहीं देंगे। इसके साथ ही अगर आपका लाइफस्टाइल उनकी एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं हुआ, मतलब आपने डिक्लेयर किया कि आप अच्छा खासा अर्न करते हैं और लाइफस्टाइल आप उस हिसाब से मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो भी प्रॉब्लम है। सब बोलेंगे कि भाई बहुत कंजूस है, इतना कमाता है और ये लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं कर रहा, ऐसी गाड़ी नहीं है और ऐसा घर नहीं है, तो उससे क्या होता है सोसाइटी में आपकी रेपुटेशन डाउन होती है। बिकॉज एज आई सेड वी आर सोशल एनिमल्स, तो इसी सोसाइटी में रहना है तो रेपुटेशन मैटर्स। अभी हम केस टू पर आ जाते हैं जब आप अपनी सैलरी बहुत कम करके बताते हैं कि लोग सोचेंगे ओके ज़्यादा से नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, कम करके बता देते हैं, तो उससे क्या होगा, उससे आपकी जो मनी बोरोइंग कैपेसिटी है उस पर फर्क पड़ेगा, क्योंकि पैसा उसको मिलता है जिसके पास वापस करने की कैपेबिलिटी होती है। अब आप भी किसी को पैसा देंगे तो यू विल मेक श्योर कि वो बंदा आपको वापस कर दे, तो उसकी कैपेबिलिटीज देखेंगे। लाइफ में ऐसी सिचुएशन कभी भी आ सकती है कि आपको सामने वाले से पैसा लेना पड़े, सोसाइटी में आपको लोन लेना पड़े, तो जो आपकी बोरोइंग कैपेबिलिटी है वो भी ख़त्म होती है क्योंकि आपकी रेपुटेशन जाती है। तो प्रॉब्लम तो बता दी, तो अब सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है इन्फॉर्मेशन कंट्रोल करना। आपकी इनकम के बारे में सिर्फ उन लोगों को इन्फॉर्मेशन देना जहाँ ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल शादी के टाइम अपने इन-लॉज को बताना पड़ेगा, सो उतनी इन्फॉर्मेशन देना जितनी रिक्वायर्ड है। जितनी चीज़ ब्लरी यानी कि धुंधली रहेगी उतना आपके लिए अच्छा होगा। क्लैरिफिकेशन आप कभी भी दे सकते हैं, सही टाइम आने पर आप चीज़ों को क्लियरली बता सकते हैं, वरना तीर कमान से और बात जबान से निकल कर वापस नहीं आती। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, और जो फर्स्ट टाइम इस चैनल पर है वेलकम टू कॉस फैमिली, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी और फैमिलीज के साथ शेयर करें। इससे क्या होगा, इससे मेरी रीच बढ़ेगी और ये चीज़ मुझे मोटिवेट करेगी और ऐसे वीडियोज़ बनाने में, हेल्पफुल वीडियोज़ बनाने में। See you next time in next video. Till then, stay busy, stay happy and stay healthy. यानी कि काम में बिजी रहें और टेंशन से दूर रहें। Thank you so much.